प्रारब्ध अप्रारब्ध कूप विद्या जितने प्रकार के पाप हैं सब दूर हो जाते, यहाँ तक कि अविद्या दूर हो जाती है जिससे कि हम लोग बंधन में पड़े हैं। और दूसरा गुण उसको आप बदला रहे हैं, निखिल सदगुण उदय हुआ करते हैं। जितने प्रकार से जो तो प्रकार के गुण सब हुई पूरी सर्वमहागुणगण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सफल ही संज्ञा। कृष्ण में जो गुण है कृष्ण के ये गुण भक्त मध्य से ही समझ रहे आंशिक रूपे थे उपस्थित था। चक्रवर्ती ठाकुर साधक कतगुल सुख बढ़े गुणे उल्लेख कर सर्वप्रथम दुख जनक विषयों के प्रति वितृष्णा हो दुख जनक विषय इस जगत के विषय का प्रति वितृष्णा वैराग्य और भगवत विषय में लालसा हो साधन भक्तों की इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं करते हैं किंचित मात्र आस्वादन प्राप्त हो ले दुखजनक जड़ीय रूप रसादि विषय निजी के बारे में खुद जड़ीय विषय कथा की ब्रह्मानंद अत्यंत तुच्छ तथा साधक निकट मने हो संसारी बताएंगे ब्रह्मानंद पर्यंत तुच्छ मने हो कृष्ण पाद पद्म ग्रंथ जे जन पाए ब्रह्मयोग आदि सुख तारे नहीं पाए ठाकुर की सभा में कृष्ण चरण कमले दे केंद्रीय रूप के इधर उधर कहीं नहीं जाती अपने आप लग जाती है। कृष्ण को कृष्ण के विकम होने थे सेवा करे सुखी करा जाए बस यही एकमात्र इच्छा था। भक्ति देवी की कृपा से साधुओं का चित्त कृष्णानुकूल्य की भावना से उन्होंने उसके हृदय मंदिर में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि की। तब उनके अंदर में कृपा क्षमा सत्य सारल्य समता शैल्य गंभीर मानवत्व अमानित्व अपने मान की इच्छा नहीं है दूसरों को यथाजोग्य मान देगा और जितने भी सर्व सौभाग्य जितने गुण है सब भक्तों के शरीर में आ जाए जगत को आकर्षण करने लगते उस समय भक्तों के हृदय में सब कुछ एक अपूर्व शांति विराजमान हो जाए। यदि ये सब न हो क्षमा गुण न हो कोई अपराध भी करता है अनुतप्त तो होता है क्षमा होता है उसे क्षमा कर कोई भी दुख उनको स्पर्श जगत का नहीं करता अनुदुखता से सब समय आनंद उनके हृदय में रहता है। क्यों जय आत्मा संतुष्ट भक्ति एक ऐसी जिसे आत्मा प्रसन्न हो जाती है शरीर की कृपा। यदि हमें दुख है संसार का दुख स्पर्श करता है तभी कमी है ऐसा भी बहुत कम कमा जैसा भक्ति भगवत तक।